उठ रहा है धुआं गुमान से कुछ ना मिला हमको लीड रान से कुछ। लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोग होते हैं परेशान से कुछ। कोरोना के हमले हैं जारी, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप माशाल्लाह आज तो आप नीला थोथा हुए हैं पूरा। आज तो जिस तरह की पेंट पाई खाले चोई जी नंग सकता हूं। ये क्या सूट की पेंट का कोट नहीं मिला या कोट की साथ का पेंट नहीं मिली? सर सब कुछ मिलता सी, इन्हें पैसे नहीं सी मैचिंग ले ले। अच्छा, एक रेडी तो कोट लिया, दूजी तो पेंट ले ही आ। छोटे भरा को बूट लेने जराबा उन्होंने दी जानी उंजी आ गया। मजाइया बच्चा सर। हाँ, इसका ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर ना नाम आ गया। अच्छा। ते नाल वालों के घर शादी सी तो उत्थे पैड करके चला गया। वासे भाई के घर ना मेहमान आए ने, ते मेहमान इन्हां दे बेटे नूं आ कह रहे कि बेटा आगे क्या इरादा है? ते अगो बेटा की कह रहा, अंकल अगर 500 देंगे तो बर्गर खाऊंगा, अगर 1000 देंगे तो पिज्जा खाऊंगा। वासे भाई चिड़िया घर गए ते सप नूं जाके पुछण लए, अब मेरी बेगम जिहड़ा जहर उगलदी तेरे को लैके जांदी। आ जी वासे भाई अपने बच्चियां नूं कह रहे ने कि इस घर में जो सबसे ज्यादा मामा से डरेगा उसे गिफ्ट मिलेंगे। ते बच्चे होकर कहते पापा इस तरह सारे गिफ्ट आपको मिल जाएंगे। बहुत कंजूस है। अच्छा। वो आइसक्रीम खा रहे थे कोल जाके इंजन करने लग, उन्होंने एक चम्मच इन्हों के मुँह पाई खा के फिर उन्होंने वेख रहे कहना यो ही जायका है सारी। लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपी हैं, सिंध असेंबली के अंदर और कोरंगी कराची से ताल्लुक है, जनाब राजा अजहर खान। उनका साथ देने के लिए दूसरी मेहमान मॉडल बुशरा गुलफाम। शो जी, बुशरा गुलफाम साहब तशरीफ लाई है, बड़ी खुशी हुई जी आपके आने की। क्या बात, शेर बड़ा प्यारा मैं लाया हूँ जी भाई जान। आज मजाक की रात में ठाकुर आए हैं जो मेहमान। अरे वाह, राजा अजहर खान साहब हैं पीटीआई के। भीड़ भाड़ में जो होता है वो हम जानते हैं, अंदर खाते क्या होता है पूछेंगे इनसे। कदी मंगियाई कदी करोना फिर मंगियाई, ये नवे पाकिस्तान च गुजारा किवें हो सकदा है। जो नहीं समझना चाहता उसे समझाना नहीं है, जिधर दिल नहीं करता उधर जाना नहीं है। सुना है इमरान खान साहब को कोरोना हो गया था, राजा साहब आपने जाके कहा था खान साहब घबराना नहीं है। जी राजा साहब क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह एहसान है, बहुत दूर से तशरीफ लाए हुए हैं आप और पहली बार आपसे हमारी मुलाकात हो रही है जी। सर कुरंगी का क्या हाल है? कुछ अब बेहतर होते जा रहे हैं, कुछ अब बेहतर। ये कब से होना शुरू हुए हैं, जब से आप लोगों की हुकूमत आई है 2018 के बाद से? आप कह सकते हैं अपोजिशन का किरदार जब आप अदा करते हैं और ठीक तरीके से जब करते हैं डेफिनेटली फिर हुकूमत को भी थोड़े से। यानी कि आपके ख्याल में हालात बेहतर हो रहे हैं कराची कुरंगी में? पूरी कराची की बात अगर करूं, अपने पूरे सूबे सिंध की बात करूं, अगर हुकूमत चाहे तो किरदार अगर अदा करना चाहे तो बिल्कुल बेहतर वो कर रही है। नहीं, मगर आप कह रहे हैं ना कुरंगी में तो बेहतरी आ रही है जो कुरंगी में, इसलिए कि हमारे जितने MNAs हैं उनके जो फंड्स अभी हमें फेडरल से मिल रहे हैं उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है उन एरियाज में। अरे तो मुझे एक बात बताएं, अगर ये बात है तो फिर आपने कहा MNAs जो है उनको फंड्स मिले तो आमिर लियाकत साहब क्यों हर वक्त दिल बर्दाश्ता फिर रहे हैं?
वो उनका दिल अब छोटा होता जा रहा है ना। नहीं ये वैसे क्या मसला है, वो क्यों नहीं खुश है? खुश तो उनको है, फंड नहीं दिया आप लोगों ने। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया पे आगे आपको रो के कमानी पड़ती हैं। हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया की बैक साइड पे जाके कमानी पड़ती हैं। तो वो उनको तो रो के मिल रही है कि नहीं? अमल लाके सब खुश है माशाल्लाह, खुश है। अभी आपकी इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे आज से 3-4 हफ्ते पहले और उन्होंने कहा कि ये जो ज्यादती हो रही है हमारे साथ मैं आपको बता नहीं सकता, आप वो सोच है देख लीजिए। लेकिन वो ज्यादती उन्होंने शायद डिफाइन नहीं किया। उन्होंने बताया कि ना प्राइम मिनिस्टर हमें मिलते हैं, ना हमें असेंबली के अंदर मुराद सईद के अलावा किसी को टाइम मिलता है बोलने का, ना हमें कोई फंड मिल रहे हैं, मैं क्या करूं? लिटरली उनकी आप देख लीजिए पूरा शो। देखिए तो इंसान के ऊपर अपनी भी कैपेबिलिटी होती है ना, मैं समझूं कि मैं खुद इमरान खान हूं तो मुझे क्या जरूरत है। अच्छा, आमिर भाई ये समझते हैं कि वो इमरान खान है? समझ तो चाहिए वैसे। पीटीआई से रह के उन्होंने पीडीएम वाला हाल हो गया। ये कैसी बुरी बात है। बुशरा जी आपके क्या हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपने शो देखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है आपका? अच्छा शो है। अच्छा अच्छा, पहली लड़की है जिसने कहा अच्छा शो, ने तो सारे बुराइयां करते हैं। नहीं तो शुक्र करना चाहिए आपको। अच्छा और बताएं, आपके घर वाले देखते हैं? जी सब देखते हैं। हाँ, मैं उन्हीं पे आसरा था। और क्या कहते हैं घर वाले? आपने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ इस शो पे, तो क्या कहा उन्होंने? मेरी सिस्टर ने मुझे स्पेशल कहा था कि तुम जाती हो जहाँ भी जाती हो इस शो में भी लाजमी जाना। सिस्टर दी मान गए, साडी मान गई। और आपने तैयारी की कोई शो के लिए? जी। क्या थोड़ा पढ़ के आई थी? क्या पढ़ के आई? आप लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं ना, आप लोगों ने मेरे पे भी जोक्स वगैरह मारने हैं, तो मैं भी थोड़ा तैयार होकर आई थी कि मैं भी जवाब दे सकूं। आपकी इससे पहले पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है कभी? जी। किस पॉलिटिशियन से? पता नहीं एक थे मुझे उनका नाम। और ये जो आपके साथ बैठे हैं ये भी पॉलिटिशियन हैं, इनके जैसे ही थे या मुख्तलिफ लगते थे? तकरीबन इनके जैसे ही थे भी वो पीटीआई के। अच्छा पीटीआई के थे तकरीबन इनके। और मैंने उनके सामने नून लीग की तारीफ कर दी। अरे तो फिर हम क्यों पीछे रह जाएं, दोबारा करिए ना। मैंने यही तारीफ की थी कि मतलब मैं उनकी सपोर्टर हूँ और नून लीग की। जी आज भी हूँ और अगले आने वाले 10-15 सालों में भी उन्हीं की। 10-15 साल ही आप उनकी रहेंगी? ऐसा क्या है नून लीग में? बस है, अच्छा लगता है, मतलब वो लोग अच्छे लगते हैं जो थोड़ा बहुत ही काम करते हैं हमारे लिए, हमारे लाहौर को पेरिस बना देते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। लाहौर को पेरिस बना देते हैं तो क्या पीटीआई वालों ने नहीं बनाया? नहीं नहीं, उन्होंने तो हमारे पेरिस का बेड़ा गरक कर दिया। तो बताएं इन लोगों ने क्या क्या किया पेरिस के साथ? पेरिस में गंद बहुत ज्यादा, पेरिस में गंद बहुत है राय साहब सुने। और जो है सीवरेज का सही कोई निजाम, सीवरेज का निजाम भी इन्होंने क्या किया? उखाड़ दिया सारा पिछले वाला। बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्राइम रेट बढ़ गया है। ठीक है, पेरिस से बड़ा गंद है तो इमरान खान साहब का नून झाड़ू लेके दे देना। तो आप बताइए पेरिस खराब किया इन्होंने आपका, इनकी ऐसी की तैसी। आप बताएं हमें, आज हम इनसे पेरिस के एक एक गली का हिसाब लेके रहेंगे। अच्छा तो ये बताइए कि इन्होंने क्या किया, क्राइम रेट बढ़वा दिया, सबसे ज्यादा बढ़ गई महंगाई, इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। महंगाई जो सिर्फ थी ये पेरिस में बढ़ी है या पूरे पाकिस्तान, पूरे फ्रांस में बढ़ी है ना? ठीक है, महंगाई तो ओवरऑल बढ़ा दी ना इन लोगों ने। इनको पूछे पेरिस सिर्फ लाहौर है या और भी शहर? और भी शहर नहीं, उन्होंने कहा आपका सिर्फ कंसर्न पेरिस से ही है? नहीं नहीं, हमारा पूरे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान, पूरे फ्रांस। ये देखिए महंगाई वाली शिकायत जो है वो आपसे पूरे पाकिस्तान की है, जो आपने इंडिविजुअली पेरिस वाला हशर यहाँ पे जो खराब किया है वो आप अलग जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा होता कि मुखालफीन जो है वो केपीके भी थोड़ी सी मिसाल दे। लेकिन घर तो हमारा खराब होगा तो कंसर्न हमें होगा। अब केपीके में तो हम नहीं रह रहे ना, तो हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पहले क्या था अब क्या। लाहौर पेरिस ही गाजी कह रहे हैं जी। केड़ा पेरिस है, सब्जी ला के आवाज ला के जगा देता है। हाँ जी, मैं एक बंदे ने छटन गया। आपको सिर्फ इससे कंसर्न है कि जो यहाँ पे इन्होंने किया है क्या? ओवरऑल कंसर्न है, लेकिन ज्यादा कंसर्न वो जैसे कहते हैं ना अपने घर से ज्यादा होता है। ठीक है, आप रहती हैं यहाँ पे, तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको करना चाहिए जो पहले था वो ऐसे रहने देना। क्या इनको चाहिए कि खुद जीत के उनको बारी देते? यही होना चाहिए। अच्छा कि सारे वोट ये ले गए मगर के मियां शिवाशी से वापस आ गए, आप चलाए हमसे नहीं होगा ये करें ये लोग। हाँ, ये कह देना हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। मान जाए ना जो नहीं हो पा रहा। आपने पहली दफा वोट डाला था? जी। मुझे यकीन नहीं कि उन्होंने वोट नून लीग को डाला। आपको नहीं यकीन आ रहा? अच्छा मजे की बात है, इतनी हुई है उसके बाद भी आपको यकीन नहीं आ रहा? क्यों आपको यकीन नहीं आ रहा? हाँ। वो कह रही है अपने मुंह से कि मैंने वोट डाला। मैंने, मैं अपने मुंह से कह रही हूं, मैं मुझे यकीन नहीं है ना, इन्होंने जिस तरीके से क्रिटिसिज्म किया है। हाँ। मैं भी हो सकता है क्रिटिसिज्म करता हूं लेकिन दिल में मेरे कुछ और नहीं, मगर ये तो आवाम आ गई ना बिल्कुल, दिल में होता है, जरूरी नहीं कि वो जबान पे भी हो। अच्छा, इसलिए जो अच्छा यार आप लोग अपने मुंह से मान रहे हैं कि आप जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो दिल में वो नहीं होता? डेफिनेटली ज्यादातर नहीं होता और कमतर होता है। अच्छा सच है वो भी कहना चाहिए, मैं पूरे दिल से कर रही हूँ।
पूरे दिल से कर रही हूँ। चाहेंगे उनके क्रिटिसिज्म का? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी हमें प्लानिंग की जरूरत है, निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद रखें कि ये 5 साल हमारे जब गुजर जाएं, ठीक है, उसके बाद फिर ये क्रिटिसिज्म करें अच्छे भी लगेंगे महंगाई के बारे अभी में। हम रास्ते आधे रास्ते में चल गए, आधा रास्ता भी जवाब कौन देगा? यही देंगे ना, अगर ये लोग ना जीते तो यानी कि जवाब मिल जाएगा इन लोगों को, ठीक है। ये तो हो गई आपकी महंगाई के सवाल का। अब जो बाकी तीन आपने गिले किए इनसे पेरिस वाले, वो सर पेरिस को एड्रेस करें जरा। देखिए, सफाई में तो हमें भी अपना किरदार रोल हमें अपने इस माशरे के अंदर रह के करना चाहिए। अगर जैसे भी मैडम ने कहा कि हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, तो जब आप अपने घर को साफ रखेंगे तो डेफिनेटली इलाके भी साफ रहेंगे। लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि लाहौर में अभी चीज़ आने लगी है कि यहाँ पर सफाई डस्टिंग का निज़ाम जो है वो बदतर होता जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब की वज़ीर आला हमारे जो हैं वो इस पर वर्किंग कर रहे हैं। यकीन आया इनकी बात? नहीं नहीं, आपके प्रोग्राम की बात, ये मुझे इनवाइट करें, मुझे जरा लाहौर का चक्कर लगा। अच्छा, बात सुने, हुकूमत आपकी, वजीरे आला आपका इनवाइट वो करें, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम से कहें कि आपको घुमाए वो। नहीं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा ना, ताकि मैं उसको हाईलाइट कर सकूं। तुसी कुड़ी नूं रहंदे, मैं तुहानूं 1-5 तो लाहौर घुमा दे। हुक्मरानी में बड़े खलल न असासों की फरावानी में, जमहूरियत के बने फिरते हैं वो रूहे रवा कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में। दसो यार आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अज़र साहब, आप तो चले एमपी हैं, यू नो ये एक बड़ा गिला शिकवा रहता है पीटीए वालों को, जो आपके बहुत से दोस्त हैं, आई एम श्योर आप भी इससे एक्वेंटेड होंगे, कि हम लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, हमें कोई पोस्ट नहीं दी। एक आता है इसको पकड़ के, जी वो माबने खसूसी का नाम मिलता है उनको, और वो मिनिस्टर बन जाती है इन्फॉर्मेशन की, कभी वहाँ कभी यहाँ। पार्टी डिसीजन है जी उसका सर, ये मगर डिसीजन ऐसा, ये क्या डिसीजन होता है? देखिए, ये तो अपर लेवल पे जब बैठ के इस किस्म के डिसीजन होते हैं, मगर दिल अंदर से हम कुछ खराश तो रहती है ना। जो एक इंसान इलेक्शन लड़के आया है, जिसने बकायदा वोट लिए, उसने भी हुकूमत का मजा सिंध में नहीं देखा ना, अपोजिशन में, तो इसलिए हमें ज्यादा आपको महसूस नहीं होता। ये पंजाब वाली साइड पे या फेडरल के अंदर ज्यादा महसूस हो रही होती है। इमरान खान साहब जाके मैं मिनिस्टर बनाओ, कहते जा पहले बंदा बन गया, मेरे को कि मिनिस्ट्री होनी चाहिए। बहबूदे आबादी की कह रहे हैं वो क्या? बहबूदे आबादी की जी। आबादी वैसे भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? ऐसे खुश रहना चाहती हैं जिंदगी में? मैं हमेशा ऐसे खुश रहती हूँ। चले, अच्छी बात है, इतनी प्यारी हैं आप। वैसे भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब डबल हैं इस वक्त माशाल्लाह। जी जी। तो क्या जिंदगी में सोचा क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं सोचा, वो मामा पापा है ना, सोचने के लिए मुझे क्या जरूरत है। तो पीटीआई का होगा कि नून लीग का होगा, ये तो बता। नून लीग। अगर ये तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है कि नून लीग का कोई सपोर्टर होना चाहिए। अगर घर वालों ने कह दिया अम्मी अबू ने कि नहीं पीटीआई का लड़का है, तो जैसे अम्मी अबू कहें, तब आपको कोई मसला नहीं पीटीआई वालों से? अम्मी अबू तो कहते यूटर ले लिया उन्होंने। तो कैसा लड़का कैसा होना चाहिए? वैसे बस अच्छा होना चाहिए। अच्छे तो लोग इन्होंने भी कहते हैं, ये तो सानू पता ना सिर्फ। रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए और लाहौर से हो, कराची से हो, लाहौर से हो। अच्छा, लाहौर से, लाहौर से हो, नून लीग का सपोर्टर और वोटर हो, सपोर्टर हो और रिस्पेक्ट देने वाला हो। शादी भी सियासी होनी चाहिए। शादी भी सियासी होनी चाहिए? नहीं, ना हो 6 महीने बाद समलियां टूट जाने रहें। चलिए, अच्छी बात, हम ढूंढेंगे। ये हमारा ना एक छोटा भाई है, तो इसकी हम शादी करना चाह रहे हैं। आइडियल आपने पूछा था, तो आइडियल हम शहबाज शरीफ साहब को कैसे? शहबाज शरीफ साहब जैसा हो? फिर तो यानी कि चीफ मिनिस्टर हो कम से कम। नहीं नहीं, ओहदे के हिसाब से नहीं, तो फिर किस हिसाब से? मतलब पर्सनालिटी वाइज जैसा होना चाहिए, वर्किंग वाइज। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मुंह खाए तनु है, 3 अंडरपास दे देन। साहब रोडों में घसीट भी रहा हूं, वो भी एक बड़ा मशहूर है, माइक्स गिरा रहे हो ऐसी पर्सनालिटी। हां, जरा वो जारहाना पर्सनालिटी होनी चाहिए, अग्रेसिव आदमी। Yes. वजह हो ना हो, आपके घर के बाहर आए, वहाँ पे लड़ पड़े लोगों से। हाँ। सिर्फ काम के लिहाज से उन जैसा हो कि दिखने में भी उन जैसा ही? दिखने में भी उन जैसा। तो दुआ से वो बाहर आ जाए या तुसी अंदर हो जाओ। आपको ऐसे लैपटॉप मिला था शहबाज शरीफ साहब का जमान? दो दफा मिला, दो दफा, एक मैट्रिक पर और एक इंटर। आपको 2 दफा मिल गया? मैंने क्यों कहना था, मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैंने मेहनत की थी। लैपटॉप 2 बार, यानी कि वो जिसके पीछे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर ही बनी होती है। बिल्कुल। मेरा वो चोरी हो गया। मजे की बात है, आप कहती हैं आपका लैपटॉप चोरी हो गया, वो कहते हैं मेरा वोट चोरी हो गया।
Hey Jumbo. How are you? You know I was near to death. Really? Marnala samay bach kudrat ne mainu bachaya. You know main jithe nava kar liya hai na. Othe mere jere neighbor usne they are very nice people. Okay. Mainu raat da bachya salan bhejde ne bada tasty hunda. Main fir rotiyan liya ke khana. But mere dil ch khayal paida hoya ke je main thodi ji koshish karan te main inna de ghar ਘਰ ਦਾ ਮਾਦੇ ਮਰਤਬਾਨ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅਚਾਨਕ ਝੱਖਰ ਚੁਲਿਆ ਇਹਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਧੋਤੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਆਚੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਨਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ 14,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ 15,000 ਹੋ ਗਏ ਖੁੱਡੇ ਦਾ 14,000 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 15,000 ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਜਲੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ 30,000 ਹੁੰਦਾ 15,000 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ 5-5,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤੇ 5-15,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ 20,000 ਮਿਲੇਗਾ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਆਈ ਡੋਨਟ ਸਰ ਓ ਹੂ ਇਸ ਦਿਸ ਗਾਇ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਪੀ ਦਿਸ ਗਾਇ ਫਰਮ ਕਰਾਚੀ ਓ ਆਈ ਲਵ ਕਰਾਚੀ The last of time I went to the Karachi, उतने दे लोग बड़े खुदा तरसे गए। You know उतने जिधे Chief Minister साहब, he is a very good guy. दो तीन बार उन्होंने मेरी हेल्प की थी। अच्छा? हाँ, उतने दे लोग बड़ी हेल्प करते हैं। इमरान खान की पार्टी ने। Oh, I love इमरान खान। इमरान खान साहब ने लंगर खाने बनाए ने गरीबों वास्ते कोई कद्दा है no. कोई कद्दा है no. कोई नहीं कद्दा अज दे दौर दे विच बट इमरान खान साहब करदे ने 15,000 केरी गल है दी जदों ना आ गया इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ बन गया नवा ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਈ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 150 ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਗਾਇਆ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਓ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਲਵ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾ ਗਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੱਕਰ 10,000 ਨਾ ਗਵਾ ਲਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਬਾਜੀ 15,000 ਦੇ ਦੇ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात बुशरा ये बताएं सिर्फ मॉडलिंग का ही शौक है एक्टिंग का भी है एक्टिंग का भी है किसके साथ एक्टिंग करना चाहती हैं माहिरा खान माहिरा खान के साथ ठीक है और कोई या सिर्फ आप और माहिरा खान ही हो ड्रामे या फिल्म इमरान अब्बास इमरान अब्बास आप और माहिरा खान हो जाएं बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास को भी डाल लेते हैं बीच में तो बिलाल अब्बास इमरान अब्बास माहिरा खान और आप मेरे ताए दा मुंडा है गुलाम अब्बास वो भी मैं अपनी फैमिली बीच में डालने क्या अच्छा और क्या फिल्म करना चाहती हैं ड्रामा करना चाहती हैं फिलहाल तो ड्रामा कैसा ड्रामा हो बहन भाइयों वाला अच्छा बहन भाई वाला तो ये क्या इसमें कौन इमरान अब्बास आपके भाई हो या हाँ। बिलाल अब्बास इमरान अब्बास भाई हो इमरान अब्बास आपके भाई हो और बिलाल अब्बास माहिरा खान के भाई हो आप ड्रामे वगैरह देखते हैं बहुत कम क्यों सर टाइम नहीं मिलता जब मिल जाए न्यूज़ सुनते हैं और न्यूज़ तो देखते हैं कोई गुजरते हुए कोई शौक रहा जिंदगी में मेरा ख्याल में 2-2.5 साल हो गए हैं उससे पहले देखते थे लेकिन टाइम बड़ा कम मिलता था बड़ी स्ट्रगल है इस पार्टी के अंदर तो वैसे कोई फिल्म वगैरह का शौक कोई फनून लतीफा का शौक कोई मौसीकी का जब टाइम मिल जाए तो गजलें वगैरह गजलें सुनते हैं कौन सी गजलें जगजीत सिंह की सुन लेते हैं दुखी दिल मेहदी हसन को भी सुन लेते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक रोमांटिक तबीयत के मालिक रहे हैं आप रहे हैं मैं माफी चाहता हूँ मेरे से गलत ऑब्जर्वेशन आप हैं नहीं मैंने इसलिए रहे हैं कहा कि आपने कहा 2.5 साल से पहले का मामला था ये सारा नहीं सॉन्ग तो जब ड्राइव करते हैं तो सिंगल अच्छा अभी भी यानी कि अच्छा करंट आ रहा है ठीक है यानी कि अभी भी है रोमांटिक तबीयत का मतलब ये हो मेहंदी हसन साहब की गजल हो गए तो ड्राइवर पे ब्लेड मारते हो तुम एवं मारते हो बस रोमांटिक ब्लेड कहां से आ गया यार तुम्हारा तो रोमांस ही सही नहीं है अच्छा तो ये यानी कि रोमांटिक पना अभी तक है ये जी और ये कब से चल रहा है 2010 से 2010 में ऐसा क्या हुआ था बस एक वाक्या हुआ था उसके बाद फिर ये म्यूजिक जो है गजलों वाला जो ये जिंदगी में चला हुआ ये म्यूजिक ज्यादा अच्छा और वो जो वाक्या हुआ था वो दिल के बहुत करीब रहा था जी
और उसके बाद दिल ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली जिसमें जगजीत सिंह और मेहदी हसन खान साहब की एंट्री हुई। वो उस गम को दूर करने के लिए बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो वैसे अनु ये बताएं कि 10 साल हो गए उस वाकये को, अब तो गुजरे हुए 11 साल। अच्छा आपको याद, सॉरी मेरी 11 साल हो चुके हुए हैं, कुछ कमी आई? अगर आपने दिल से किए तो कमी तो नहीं आती। वो कहते ना कि वक्त जो है वो मरहम बन जाता है। बस यही समझे आप, जो बच्चे स्कूल छड़न जाता दूरों दूरों वेखते जो बच्चों का स्कूल वाला नहीं अभी हुआ, ठीक है, सिर्फ अभी तक ये। वैसे ही कभी हुआ कि गाड़ी खुद ही चलते चलते, आप ना कर रहे हो, आप तो गाड़ी चला रहे हैं, मगर वो सड़क जो है वो खुद ही मुड़ के किसी एक तरफ चली जाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक दफा हुआ था, मेरे साथ मेरा दोस्त था। अच्छा, तो वो इत्तेफाक से उस ट्रैक पे वो खुद ही चला गया था। वो दोस्त आपको उस तरफ ले गया, वो याद दोबारा फिर आई, वो याद दोबारा आई। ये कितने साल पहले का वाक्य है? ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से फौरन पहले, 2017 में। तो आपने उस दोस्त से कहा कि जालिम क्या कर रहा है? तो नहीं, उसको मैंने महसूस से होने दिया। एंज कदी होवे तुसी छाते खलोते जते वाकया थल्ले नंग रहे होवे छाते से नहीं जाते। नहीं, अच्छा छत पे नहीं आप खड़े, मगर ऐसे कभी हुआ कि आप कहीं मार्केट वगैरह में, आप एमपी हैं, पूरा इलाका आपका है, तो वैसे होता है आप 1000 पब्लिक डीलिंग होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं खड़े हुए तो आपको कहीं गुजरते हुए नजर आ गया? नहीं, एमपीए बनने के बाद तो ऐसा नहीं हुआ। एमपीए बनने से पहले हुआ ऐसा? तो तब क्या आपके ऊपर गुजरी? बस कंट्रोल, बर्दाश्त किया। वजह यह है कि रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल, वो बोथ साइड्स होती हैं, वन साइड नहीं होती। और आप उसका ख्याल रखना। आप अकेले थे? मैं अपनी गली में था, सिस्टर के साथ जा रहा था। आप जा रहे थे और आपने देखा दूर से ही दिल के अंदर ही एक आवाज आई और वो दिल के अंदर ही दबके रह गई। वो आप बेहतर, ज्यादा बेहतर समझ सकते सर, मैं ही समझ रहा हूँ सिर्फ। हाँ, ये भी हल्के से बाहर। अच्छा, वो किन के हल्के के अंदर है? आलमगीर खान। आलमगीर खान फिक्सेड। तो आपने आलमगीर खान का कहा नहीं कि आलमगीर फिक्सेड? पर्सनल चीजें मैं शेयर नहीं करता। हाँ, ना आप आलमगीर खान से करते हैं, ना आपने अपने उस दोस्त जालिम से की जो गाड़ी लेके वहां चला गया था। उसको फील हो गया था मेरे दोस्त को, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? मेरी 2004 में शादी हुई थी। ये भी एक अलग होता है कि इंसान को और ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है ऐसे वाकियात को। मैं आपके दर्द में पूरा का पूरा शरीक हूँ। और आपको लाहौर से जाते हुए, आपने मेहदी हसन खान साहब को तो सुना हुआ है और जगजीत सिंह को भी सुनते हैं, मैं आपको अकरम राही की 3-4 कैसे खुद अपनी जेब से लेके दूंगा। और आपको साथ कसम है कि आपने कराची लैंड करते ही एयरपोर्ट से लेके घर तक यही करना है। घर पहुंचे आ, रोटी खान की पहली बुरकी तोड़ी है बुजदार साहब की कार। ओके, और यार मैं चुकी तो मैंने कहता ना मिस्टर हैंडसम, उते ही रोटी चढ़ दीती बंदे में चुका डे डाला बुजदार साहब को मारया सलूट। मैंने कहता ना मियां अफजल निर्गोली, लाहौर दे लोग कूड़े तो बड़े तंग ने। मैं कह सर कूड़े तो हर बंदा तंग होंदा, बीमारियां फैलदियां ने। कहंदे ने यार बड़ी कोशिश कर रहे हैं बट फेल, हुकूमत हैज बीन फेल। मैं कह सर उस बंदे नाल मशवरा करना चाहिदा है जिन्हों ये तजर्बा होवे। कहंदे ने हूज दैट? मैं कह सर मुराद अली शाह हैज बीन त्रिकड़दम। अच्छा, कहंदे ने जा यार उहदे नाल गल कर ते मेरी को जिंदगी आसान कर। कड्डे ऐ डाला पहला पंजवां सतवां नहीं लगा, फिर पंजवें च पा ले। पहुंच गया देखो माशाल्लाह नीले रंग दा सूट, नीले रंग दी टाई मैचिंग करके मुताले पाकिस्तान कर रहे थे मुराद अली शाह साहब जी। ओ मैनू कहंदे ने अचानक आया खैर ते है। मैं कहा सर तुसी की पढ़ रहे हो? कहंदे मैनू किसी ने आर्टिकल लिखे है कूड़े दे उत्ते बैठ के। अच्छा। मैं कहा सर ये कैसी गल है? यही गल मैं थोड़े नाल करना है। हाँ। मैं कहा सर ओ बुजार साहब कह रहे ने भी लाहौर दा कूड़ा किवें चुकी है, लोग बड़े तंग ने। ओ कहंदे ने कूड़ा नहीं उठाते। मैं कहा सर कूड़ा क्यों नहीं उठाते? कहंदे ने इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। अच्छा। लोगों को रोजगार मिलता है। वो कूड़ा उठाते हैं, उसे रिसाइकल करते हैं, बेचते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं। मैं कह सर ये बड़ी खतरनाक तुम गल कर रहे हो। तो बुजार साहब पूछ रहे ने भी ये किवें हो सकता है? कहना उनसे जाके कहो ये बात एक बार हुकूमत करने से नहीं पता चलती। अच्छा। 3-4 बार हुकूमत करने से पता चलती है। कूड़े को बिल्कुल नहीं उठाते, बल्कि कहते ने मेरा खास पैगाम जाके देना कि जब लाहौर की सड़कों पर कूड़ा नजर आए तो सिर्फ एक ही बात याद करनी है। क्या? घबराना नहीं। कहते ने इससे मामला हल हो जाए। बहुत अच्छे। उन्हें मैंने तो समझ नहीं आई
ते मैं जाके बुजदार साहब नु किवें समझावा, इह ते कोई टेक्निकल गल है। ये आप हमारे मेहमान से पूछे। ओ राजा साहब कराची। यस। ओ माय डियर बेस्ट फ्रेंड, कुरंगी दे विच जद भी जाओ नहीं रोटी पुछदे, क्योंकि मैंने यार दे नाल खर्चा बड़ा हुंदा है। तुसी रोटी अक्सर खांदे नहीं ना, सिर्फ चपेड़ा ही खांदे जे तुसी? नहीं, माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी ने। 2003 च पहली बार जदों पीटीआई ज्वाइन कीती, नाल कौन सी? कौन सी? मैं तुहानू पुछना चाहुंदा। ऑफ कोर्स नाल पूरे इलाके दे लोग सन। पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, ठा जित गए ने। किस तरह जित गए ने? किस तरह? तुहानू पता है चंगा भला। ऐसे जिन्हें भी बंदे पीटीआई दे उत्थे काम कर रहे ने, उन्हां च सब तो तेज और सब तो ज्यादा काम करने वाले राजा साहब। ऐसे पूरी पीटीआई कराची दे विच इन्हां दी फैन है। हुण ते माशाल्लाह मुबारक होवे, भाभी नूं भी ले आए ने सियासत। अरे वो इनके साथ नहीं है, उनका हलका हो रहे, इन्हां दा हलका हो रहे। अरे उनका कोई हलका नहीं है सर, बहुत हलका। जब इलेक्शन होंगे भाभी एमएनए होंगे एमपी होंगे। अरे देख लेना, आजकल कारोबारी मामला खानदान दे विच चल ही रहे है। या दो भरा एक जमात च होंगे, या मियां बीवी एक जमात च होंगे। पीटीआई दे बाद बंदे होए ने जिहड़े इस गल दी सफाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान में हम उनको दावत देंगे, सियासी बनाएंगे उनको इंशाल्लाह। तुसी मान नहीं रहे हो, मान रहे हो। मैं जदों भी गया मैं भाभी दी आदे रोटी खाधी। ये रोटी है। हां सॉरी सॉरी सॉरी, कराची वाले नहीं है गए। नहीं मतलब वो कितने दिन? अच्छा वो लाहौर से हैं और मॉडल हैं। वही मैं कह रहे हैं भी, ये भरजाई लाहौर रहते ने, भाईजान कराची रहते हैं। हां अच्छा, अगर बोल वो नहीं रहे तो बोल वो भी नहीं रहे। मॉडल ने इजाजत दे दी सी। फोटो में कराची वाली बाबी नूं भेज के हुणे पूछ लेंगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। राय साहब सर, हाय ये सवाल पूछने से पहले दुख हो गया। चांद पर जा रहे हैं, दो सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको चांद पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? जिसको लेके जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएगा, आप वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं आलमगीर खान और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। सर मैं तो कहना 10 साल पहले जो धरना हुई तुम रहो उत्थे रामनगर। राय साहब बताइए, एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है आपको, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर? सवाल तो बेवकूफाना है मेरा, लेकिन फिर भी ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फैसल वाडा। फैसल वाडा। फैसल वाडा। हजर भाई टाइटैनिक पर जा रहे हैं। आपको स्पीकरों में से, और गजल भी वो वाली है, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। पहले तो वो हैं, उसके बाद अब आपने बॉन्ड कर दिए कि इनमें से एक नाम लेना है। इनमें से एक नाम तो शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं फहीम खान, आपके इलाके के एमएनए, और वो हस्ती। देखें उस हस्ती को तो ना लाएं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कहा है वो हस्ती और फहीम खान। बता दे किसको जा रही है लाइफ जैकेट? जी वो हस्ती।
वो कौन सी ऐसी हस्ती थी जिसने आपकी हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हस्ती चल रही है, मगर देखे जवाब जो है जो भी है वाह वाह क्या बात है। बुशरा जी बता दे फिर, आधी रात का वक्त शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाह रही हैं? जनाब राणा सनाउल्लाह और जनाब तलाल चौधरी। तलाल चौधरी बंदा भी हुई सी। ये बताइए घर में एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस जॉइंट साइज फ्रेम के अंदर? आप ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब असफंद यार वली और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान ये बता दीजिए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब शहजाद अकबर। शहजाद अकबर क्या बात है, ये अलग बात है कि उन्होंने टाइटैनिक का सारा हिसाब किताब निकाल लेना। दूसरी कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट है, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज चीजें नहीं बदल पाई इस शो के एंड तक भी। अजहर खान साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो, बुशरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप दोनों सर आए और सुना दे फिर कोई गमगीन सा गाना।